अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है तो आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देना होगा। आज हम आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। उनके पास ना तो कोई निजी कंप्यूटर था और ना ही कोई विशेष सुविधाएं, फिर भी उन्होंने दुनिया को बदलने का सपना देखा। मधुर की गलियों से लेकर सिलिकॉन वैली के शीर्ष तक सुंदर पिचाई की कहानी असंभव को हासिल करने की एक प्रेरणादायक गाथा है। ये जीवनी आपको उनके जीवन के उतार चढ़ाव, उनके दूरदर्शी नेतृत्व और दुनिया को बदलने के उनके प्रयासों से रूबरू कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदर पिचाई, जिनका वास्तविक नाम पिचाई सुंदरंजन है, उनका जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु के मदुरै जिले के एक साधारण तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता रघुनाथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर थी। पैसों की तंगी के कारण उनके पिता ने अपने 2 कमरे वाले मकान का 1 कमरा किराए पर दिया था और दूसरे कमरे में स्वयं पूरे परिवार के साथ रहते थे। बचपन में सुंदर के पास फ्रिज या टीवी जैसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी और पूरा परिवार जमीन पर ही सोया करता था। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी सुंदर पिचाई के पिता ने कभी भी उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी और ये देखकर सुंदर भी खूब मन लगाकर पढ़ा करते थे। पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ सुंदर क्रिकेट और फुटबॉल में भी काफी अच्छे थे। गूगल के CEO सुंदर पिचाई को हालांकि बचपन में टेक्नोलॉजी में खास रुचि नहीं थी, पर जब वो 12 साल के हुए और उन्होंने टेलीफोन और फ्रिज जैसी मशीनों से जीवन को बेहतर होते हुए देखा तो उनकी रुचि बढ़ गई और उन्होंने अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने का निर्णय लिया। सुंदर पिचाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से की थी और इसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे IIT मद्रास में स्थित वानावानी स्कूल में चले गए थे। 12वीं के बाद सुंदर पिचाई उसी IIT से कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश लेना चाहते थे, लेकिन IIT JEE में अच्छी रैंक ना मिलने के कारण उन्हें ना तो मनपसंद कॉलेज मिल पाया और ना ही कोर्स। फिर भी उन्होंने IIT खड़गपुर में प्रवेश करने का निर्णय लिया और वहां से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। दक्षिण भारत से होने के कारण उन्हें अपने कॉलेज में लोगों से बातचीत करने में काफी दिक्कत आती थी और रैगिंग जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हर दबाव और मुसीबत का सामना कर अच्छे अंक प्राप्त किए और अपने बैच में सिल्वर मेडल जीता। सुंदर पिचाई की प्रतिभा को देखते हुए उनके कॉलेज ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने की उन्हें स्कॉलरशिप दी, पर एयर टिकट का किराया उन्हें खुद से ही उठाना था। जब उन्होंने अपने पिता को पूरी बात बताई तो उनके पिता ने बिना सोचे ही ऑफिस से 1 साल की तनख्वाह एडवांस में लेकर एयर टिकट का इंतजाम किया। विदेश में पढ़ाई के दौरान भी सुंदर पिचाई को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था। पैसे बचाने के लिए वह पेइंग गेस्ट के रूप में रहते और पुरानी चीजों का ही उपयोग किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने संघर्ष का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद सुंदर आगे चलकर PhD भी करना चाहते थे, लेकिन उनके हालातों ने इसकी इजाजत नहीं दी और उन्हें अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम करना पड़ा। पर धीरे धीरे जैसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी तो उन्होंने पेंसिल्वेनिया शहर में स्थित वाटर स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से अपनी MBA की पढ़ाई को पूरा किया और इसके बाद मैकेंजी कंपनी में बतौर कंसल्टेंट काम करने लगे। 1 अप्रैल 2004 का वो दिन था जब सुंदर ने गूगल कंपनी को ज्वाइन किया था। सुंदर का सबसे पहला प्रोजेक्ट गूगल के सर्च टूल बार को बेहतर बनाना था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सके। इसी प्रोजेक्ट पे काम करने के दौरान सुंदर ने एक सुझाव दिया कि गूगल को बाकी कंपनियों की तरह अपना खुद का ब्राउजर भी लॉन्च करना चाहिए। जब उन्होंने अपने इस आइडिया को अपने सीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स के साथ बांटा तो उनके इस आइडिया को मना कर दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही बहुत सारे ब्राउजर्स अवेलेबल थे और एक नया ब्राउजर बनाना काफी महंगा प्रोजेक्ट था। पर यही सुंदर के व्यक्तित्व की खासियत भी थी। सबके इनकार का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बात मनवाने के लिए वे गूगल के संस्थापक के पास पहुंच गए। जब गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने उनके इस आइडिया को सुना तो वे बहुत खुश हुए और उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करने की इजाजत भी दे दी। अप्रूवल मिलते ही सुंदर ने इस प्रोजेक्ट पे अपनी पूरी जी जान लगा दी और उनकी कड़ी मेहनत का ही ये नतीजा था कि सन 2008 में गूगल क्रोम पूरे विश्व में लोकप्रिय बन गया। धीरे धीरे क्रोम ने अपने कंपेटिटर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और बाकी ब्राउजर्स को पीछे छोड़ दिया और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला ब्राउजर बन गया। साल 2014 में सुंदर को ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को ज्वाइन करने का ऑफर भी आया था, पर उनकी काबिलियत और कंट्रीब्यूशन को देखते हुए गूगल ने उन्हें जाने नहीं दिया। नौकरी नहीं छोड़ने के लिए गूगल ने उन्हें 305 करोड़ रुपए का बोनस और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पद पर नियुक्त कर दिया। गूगल मैप्स, जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज की भारी सफलता के पीछे भी सुंदर पिचाई की अहम भूमिका रही है। 2008 से लेकर 2013 के दौरान सुंदर पिचाई के नेतृत्व में ही एंड्रॉइड एप्स और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, जिनकी लोकप्रियता की वजह से सुंदर का नाम अब एंड्रॉइड मार्केट में भी छाने लगा।
2012 में उन्होंने गूगल क्रोम बुक को सार्वजनिक रूप से जारी किया, जिसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा। उनकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए गूगल ने उन्हें 10 अगस्त 2015 को कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया। 2017 में उन्होंने गूगल पे ऐप को इंडिया में लॉन्च किया और गूगल की पेरेंट कंपनी जो कि अल्फाबेट है उसका काम भी देखने लगे। उनके योगदान को देखते हुए 3 दिसंबर 2019 को सभी बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें अल्फाबेट कंपनी का भी सीईओ बना दिया। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। सुंदर पिचाई की इस सफलता में उनकी मेहनत और समर्पण के साथ साथ उनके धीरज और सरल स्वभाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने उन्हें सभी लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के शिखर तक पहुंचा दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आप चाहे जहां से भी आए, जो कुछ भी करें या जो भी बाधाएं आपके सामने आती है, आप अपने समर्पण और एक बड़े सपने के साथ उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।